Oh! Very good. Thank you, Mr. Manish. अच्छा वन मिनट वन मिनट मनीष मनीष प्लीज प्लीज वेरी गुड फैंटास्टिक. मुझे तो लगता है कि मैं भी ऐसे अरे यार नहीं हो पा रहा ना, मतलब एक अमेजिंग चीज है. अच्छा ये मनीष एक एक दिन में कह रही हूँ कि कंटिन्यू करने से हुआ है, थोड़ा प्रैक्टिस किए हैं. अरे वन सेकंड देखना चाहोगे? ओके वन सेकंड प्लीज क्लोज द डोर. Very awesome, fantastic, wow. Thank you. So, एक बात आप लोग यहाँ लग रही हो कि ये प्रैक्टिस से वाला है, कोई और है ऐसा कुछ करना चाहेंगे? Anyone? नहीं. अच्छा एक बात हमें मुझे बताइएगा, जो यहाँ पे एक लड़का अभी जो मनीष की है, वो क्या मनीष आपसे अलग है या आपके जैसे हैं? जैसे है ना, बट मनीष कर पाया आप नहीं कर पा रहे हैं. व्हाट इज द रीजन? कारण क्या है? क्या बोले? अरे एक बार सब तो बोलो, क्या बोले? प्रैक्टिस नहीं है. सेम चीज अगर चाहते हो इंग्लिश बोलना तो प्रैक्टिस जरूर करना, वो भी कंटिन्यू की छोड़ के कंटिन्यू. अगर इंग्लिश सीखने का जिद और जोश और जुनून अगर आपके मन में आया है तो अंग्रेजी बोलना सीख सकते हो, अगर आपके पास प्रैक्टिस होगा तो. समझ में आ रहा है? लाख मैं पढ़ा लूं, लाख आप कोशिश कर लो, लेकिन अगर आपका कोशिश कंटिन्यू नहीं रहा तो इंग्लिश पॉसिबल नहीं है. क्या सिर्फ इंग्लिश पॉसिबल नहीं है, किसी भी क्षेत्र में पॉसिबल नहीं है? तो आज आप लोग समझ लेंगे, इंग्लिश सीखने का पहला स्टेप आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. समझ में आ गया? अच्छा एक और बताइए, बचपन से आपने लिखने का काम बहुत किया है, किया या नहीं? जब ये लिखने का काम किए तो आपका दिन पर दिन हैंडराइटिंग बना या बिगड़ा? बना. तो दिन पर दिन आपका हैंडराइटिंग बना, तो उसी तरह से आपका जो इंग्लिश है उसको अगर दिन पर दिन बनाना है तो यहाँ पे भी क्या करना होगा? प्रैक्टिस. समझ में आ गया? तो आप लोगों का प्रैक्टिस सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. जिन लोगों में प्रैक्टिस की कमी आएगी उनका इंप्रूवमेंट में थोड़ा टाइम लग जाएगा. ठीक है, मैं टाइम की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ना गिव मी द मार्क, सॉरी आई हैव अ मार्कर. प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगा, क्योंकि आपने एक चीज सुना होगा, अ प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट. तो अगर आपको बेस्ट बनना है तो प्रैक्टिस, और सबसे बड़ी है टाइम. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, या आप लोग ये सब प्रैक्टिस तो करते हैं बट अगर कंटिन्यू नहीं करोगे तो आपको लगेगा एक्स्ट्रा टाइम. और टाइम की कहानी इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, ये रही आपकी स्पोकन बैच राइट, जिसकी आज डेट है, आज पहला दिन है आपका 13 मार्च. ठीक है, आपका बैच का एंड कब होगा, कितने दिनों का है? 6 मंथ. एंड कब हो रहा है? अगस्त में, यानी कि लास्ट अगस्त तक चलेगा. अब कहानी सुनिएगा, एक महीने में कितने दिन? 30. कोर्स कितने महीने चलेगा? 6 महीना, यानी कि 30 × 6. मेरा मैथ कमजोर है, आप लोग आई थिंक मैथ बहुत झक्कास होगा. ठीक है, तो कितना होगा? यानी आपके पास अंग्रेजी सीखने के लिए कितने दिन? 180 दिन. अब थोड़ा सा कहानी सुनिएगा, आपने एडमिशन लिया है पूरी कोर्स करने के लिए 180 दिन के बैच में राइट, यानी 180 दिन में आप अंग्रेज बन जाइएगा, आप अंग्रेजी बोलिएगा, आप भी बोलिएगा, हे ब्रो हाउ आर यू, आई एम हंगर, प्लीज गिव मी द शैम्पूज राइट. अब इंग्लिश सीख के कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसका गलत इस्तेमाल करेंगे, हे आई नो इंग्लिश, एंड देन सी दैट पर्सन आल्सो स्पीक, हे आई लाइक यू, आई लव यू. ऐसे तो जहां तक मुझे लगता है कि अनपढ़ व्यक्ति भी, अब कोई नहीं कहता कि हम तुमसे प्यार करते हैं, वो जरूर बोलते हैं आई लव यू राइट, यानी कि उनका एक अलग ही समझ में आए ना आए बोल देते हैं. और जब यहाँ पे एक और चीज समझिएगा, जब बोलते हैं आई लव यू तो सामने से होता है आई लव यू टू, कि आई लव यू टू. क्या बोलते हैं?
लेकिन उनको पता नहीं है आई लव यू टू का मतलब क्या होता है। क्या आप लोगों को पता है आई लव यू टू का मतलब क्या होता है? मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। बिल्कुल गलत है यार। क्या बोले भाई? हाँ, हम आपसे दुगना प्यार करते हैं, मतलब आप जितना करते हैं ना उतना से ज्यादा। क्योंकि हाँ, क्योंकि आप अगर किसी को बोलते हो आई लव यू, इसका मतलब हो गया मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आप अगर किसी को बोलते हैं उधर जाता है कि आई लव यू टू, तो टी डबल ओ बोला जाता है ना कि टी ओ। टी ओ अगर बोलेंगे तो मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, यानी कि अगर हम बोलते हैं आई लव यू टू तो इसका मतलब हो गया मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन आई लव यू टू का मतलब हो गया मैं तुमसे कई गुना ज्यादा प्यार करता हूँ। ठीक है, मतलब अगर हम बोले कि हम आपके दिल में रहते हैं तो सामने बुलाएगा हम तो दिल और दिमाग दोनों में रहते हैं, यानी कि डबल। समझ आ रहा है? तो जिस तरह से देखिए लाइफ में प्यार जरूरी है, क्योंकि जब प्यार होता है ना किसी चीज से तो हमें दुनिया बहुत अच्छी लगती है। हमारा फोकस ही प्यार पर होता है, दिन रात उसी की यादें आती है। तो आपको भी इंग्लिश से करना पड़ेगा सबसे पहले प्यार, क्योंकि प्यार करोगे तभी आपका मन लगेगा। हमेशा करोगे इंतजार क्लास जाने का, क्लास में पढ़ने का। अगर करोगे प्यार नहीं वहां पे करोगे इनकार, तो मन करेगा अरे यार थोड़ा और सो लो यार, क्योंकि कितना बार करोगे पढ़ाई ना होगा प्यार ना होगा पढ़ाई, तो थोड़ा सा कर लो इंतजार। इसलिए बेहतर होगा कि पहले कर लो प्यार, तब होगा आपकी पढ़ाई। मतलब प्यार करने का मतलब उल्टा नहीं, प्यार करने का मतलब पढ़ाई से कर लो प्यार। तो यहां पे प्यार करोगे, प्यार करना है पढ़ाई से 180 दिन। अब एक बार बताइए 180 दिन का जो आपका बैच है, रियली में आप 180 दिन करोगे? एक सौ अस्सी दिन क्लास चलेगा ना? आपने 6 मंथ कोर्स ज्वाइन किया है, 180 दिन, 180 दिन करोगे ना? नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 180 दिन में कैसे आपके पास 180 दिन भी नहीं है? कहने के लिए है, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक मंथ में कितना संडे? 4 संडे, राइट? तो गुने 6 यानी कितना? 24 संडे गया, यानी आपके 180 दिन में से 24 दिन कर दो माइनस। मैं थोड़ा कमजोर है, थोड़ा बता दीजिएगा। सही है ना? आपके पास बचा है 156 दिन। क्या आप 156 दिन क्लास करोगे? फिर कहोगे सर आई दोस्त का बर्थडे है, आई दोस्त के गर्लफ्रेंड का एनिवर्सरी है, ऐसा होगा ना? देखिए कहानी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंडियन जो है ना पढ़ाई से ज्यादा धर्म पे और एंजॉयमेंट पे फोकस करते हैं। ये तो जेन्युइन 156 दिन आपका क्लास चलना चाहिए, राइट? लेकिन इसके बीच आएंगे इस 6 मंथ जो कि आपका क्लास चलेगा अगस्त तक, इसके बीच में और सब फेस्टिवल आएंगे, जैसे अभी आएगा चैती छठ, बोलोगे ना आप लोग? और बीच में कौन सा फेस्टिवल है? उसके बाद आएगा रक्षाबंधन, अगस्त में होता है ना, 15 अगस्त, फिर सोमवारी, वो भी 1 महीना तक, 4 गो कहानी कीजिएगा ना। इस तरह से अगर करोगे तो अगर हाईएस्ट अगर हम अगर 10 डेज नहीं अगर 20 डेज अगर माइनस करते हैं, क्योंकि आप पूरे फेस्टिवल को अगर माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 3 8, यानी ए हो गया आपका संडे और ये हो गया आपका फेस्टिवल। कितना दिन बच गया? 136 दिन। कहानी सुनिएगा, मैं इसलिए ये डाटा समझा रहा हूं कि आप लोगों को क्यों कहूं, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले चाहिए प्रैक्टिस और दूसरी कंटिन्यू। तो प्रैक्टिस भी अगर कंटिन्यू होता है तभी रिजल्ट मिलता है। कहानी देखिए कैसे, ना चाहते हुए इतना दिन, अब आप अपने मन से आर्टिफिशियल छुट्टी मारोगे। माई हेल्थ इज नॉट गुड, बीमार है सर, या दोस्त के बारात में बहुत कस के टूल हो गए थे। ठीक है, लड़की की तरफ से आ जाए सर, मेकअप इतना लगा दिया कि पिंपल निकल गया, आप चेहरा ठीक होगा तब ना आएंगे, अच्छा नहीं ना लगेगा ऐसा चेहरा के सामने आएंगे तो सब क्या कहेगा नहीं कहेगा, ऐसा मन में आएगा ना?
तो अब इसमें 136 दिन में आप आर्टिफिशियल चलेगा, यानी बनावटी छुट्टी आपका चलेगा, बर्थडे एनिवर्सरी तो शादी तो हेल्थ इज नॉट गुड ऐसा करके मारोगे, ठीक है, या फैमिली मेंबर बहुत सारी बात आप उसको अगर माइनस कर दे फिर उसको भी 20 दिन अगर कर दे तो कितना बचेगा 116 दिन, राइट। ये छुट्टी हो गया आपका पर्सनल छुट्टी, ठीक है। हाँ मेरा छुट्टी माइनस करोगे तो मेरा तो संडे है, मेरा लगभग क्लास नहीं बंद होता है। और जो हेल्थ इज नॉट गुड जो पर्सनल में आता है, अगर हम अपना हेल्थ इज नॉट गुड करें ना तो पता चलेगा कि कितना क्लास क्लोज होता है। जैसे मेरे क्लास में पिछले बैच में कुछ बच्चे थे जिनका ना जब मन नहीं आने को होता था ना तो एक बार बेसिस मारते थे माई हेल्थ इज नॉट गुड, यानी कि अगर हम बोले तो किसी लड़कियों को महीने में एक बार तबियत खराब होता है तो लड़कों को महीने में चार बार तबियत खराब होता है, और उनका चार बार होता कि माई हेल्थ इज नॉट गुड, माई हेल्थ इज नॉट गुड, ऐसे लोग होते हैं। तो 116 दिन आपके पास रेस्ट बचा है जो कि आपका कोर्स का, अब इसको ना थोड़ा 30 से भाग दे देते हैं, महीना पता चल जाएगा ना। चलिए तो देते हैं भाग 30 से, हमको नहीं है देता मैं दीजिए तो 3 × 12 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा ना, तो 3 दी कर दो 90 हुआ ना जी, माइनस कीजिए 6, 9, 10, 11 कितने 2, यानी कि 3 पॉइंट। आप ऊपर से अगर यहाँ पे 0 देके मारे तो क्या 4 मंथ में 4 दिन कमी है। अच्छा यानी कि यहाँ पे अगर 24 दिन माइनस कर दे तो आराम से 16 दिन, यानी कि फाइनल अगर ले हम समझिए कि मेरा मैथ से अच्छा आप लोग का भी मैथ है, यानी कि एवरेज आप लोगों के पास कितना मंथ बचा 6 मंथ में, ओनली इसके जगह आपको बच रहा है 4 मंथ, यानी कहानी आप लग लगे कोर्स को कहां उठा के लिए 2 महीना दिस दैट दिस दोज में निकाल दिए। अब यहां पे और बात सुन लीजिए, ये 4 महीने में देखिए लाइफ में एक्सक्यूजेस अगर देना शुरू कीजिएगा ना तो एक्सक्यूजेस की कमी नहीं है, भर भर के एक्सक्यूजेस मिलेगा, बहाने अगर जितना करने चाहो वो आप बहाने कर सकते हो, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन बहाना करके आप एक चीज बर्बाद करोगे अपना टाइम जो यहाँ पे बर्बाद कर लिया हम लोग 2 मंथ, अब बचा हुआ 4 मंथ, ये 4 मंथ अब आप कंटिन्यू अगर वर्क करते हो तो जाके आपके अंदर रिजल्ट आएगा, अगर उसमें भी 2 दिन किए 4 दिन नहीं किए तो फिर रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा, निश्चित श्योर, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ आप लोग आज कि आप लोगों के पास छुट्टी क्या है संडे, इसको तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन अगर जैसे देखिए ताली अगर बजाना है तो हाथ मैं बढ़ाऊ, ताली आपको ही बजाना है तो हाथ अभी बढ़ाओगे तब तो ताली बजेगा, तो अगर हम दोनों मिलकर ताली बजाए तो ये दिन तो मैनेज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना बॉस संडे का। दूसरी है फेस्टिवल, अगर मिलके करें तो ये भी मैनेज हो सकता है, क्योंकि अगर एक बार इरादा बना लिए सीखने का तो क्या बनाओगे बहाने या इरादे, क्योंकि जिसके पास होते हैं इरादे वो कभी नहीं बनाते हैं बहाने, तो अगर बहाना बनाना चाहोगे तो 2 मंथ निकाल लोगे बहाने में। अब मैं पिछले रिजल्ट से एक बार बताता हूं, जो बच्चे कंटिन्यू और अपना काम पे प्रैक्टिस फोकस नहीं किए हैं उनका रिजल्ट गड़बड़ाया है। जैसे मैं रिजल्ट बता देता हूं, फरवरी में बैच लास्ट हुआ है जिसमें 60 बच्चों में से 55 बच्चा का रिजल्ट है, ठीक है, जो रियलिटी है खुल के मैं आपको बताऊंगा, 60 में से 55 बच्चा का रिजल्ट है, 5 बच्चा गड़बड़ाया है, और 5 बच्चा के पीछे गड़बड़ाने के पीछे यही है संडे फेस्टिवल पर्सनल प्रॉब्लम्स ये सब कहानी। तो अगर इरादा अगर हम बना लिए हैं तो बहाना बना के संडे मैनेज कर सकते हैं, फेस्टिवल भी मैनेज कर सकते हैं, पर्सनल एकदम आईसीयू में जाने वाली बात होगा, हेल्थ इज नॉट गुड तो उसको मैनेज कर नहीं सकते, राइट। लेकिन ये जो हमारा 24 दिन और 20 दिन ऐसा कुछ कहानी है इसको तो मैनेज कर सकते हैं, समझ में आ रहा है कुछ। तो यहां आपके पास ये है कि आज से आप लोग एक बार बना लो इरादा,
कि मुझे अब सीखना है और आज के बाद कोई बहाने नहीं। और मैं गारंटी देता हूं कि आप लोगों के माइंड पर भी उतना प्रेशर नहीं पड़ेगा, हंसते हंसते सीखेंगे। रीजन क्या है कि इंग्लिश में हमारा एक तरह का भाषा है, जैसे हमारा हिंदी है। आप लोगों में से कोई एक बताइए, हिंदी आपने सीखा कैसे? सुजीत आप बताइए। सब तो सब लोग हिंदी बोलते हैं, इसीलिए हिंदी सीखते हैं। मतलब आपका माहौल है, एक छोटा बच्चा को देखेगा तो हिंदी कैसे सीखता है? कुछ वीडियो जो आपने देखा है, माहौल में रह के इंसान हिंदी सीख जाता है, एक माहौल में रह के कुत्ता भी सीख जाता है भाषा। ऐ टॉमी इधर आओ, आ जाता है, जाके बोल लो वो भी समझ जाता है, राइट। अगर उसको शुरू से सिखाया जाए टॉमी कम है यार तो समझेगा या नहीं? तो वो भी सीख जाएगा। तो सेम चीज आपको है। थैंक यू। आप लोग इंग्लिश को एक हवा मत समझिए कि भारी है, लोड है, बर्डन है, ऐसा कुछ नहीं है। आज तक जितने भी आपने तरीके अपनाए वो तरीके गलत थे, जिसके कारण आज तक आपके पास इंग्लिश नहीं आया। सीबीएसई स्कूल में पढ़ने के बाद भी, उतना पैसा खर्च करने के बाद भी आज आपके पास इंग्लिश बोलने नहीं आता है जो बचपन में पढ़े हैं। और सीबीएसई स्कूल में कितना नहीं पढ़े हैं ना, कम से कम तो कोई 2 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल निश्चित ही पढ़े होंगे, 5 या 6 मंथ भी पढ़े हैं। तो ये पढ़ने के बाद भी आपके पास इंग्लिश नहीं है, और 5 और 6 ईयर में आपके पेरेंट्स कितना सारा पैसा दे रहे होंगे, उसके कई गुना कम से कम पैसा आप यहाँ दिए हो। लेकिन मेरा ये प्रॉमिस है आपसे कि आप निश्चित ही बोलोगे, बशर्ते जो गलतियां इन्हें पिछले वाले बैचेस किए हैं वो गलतियां आप लोग मत दोहराइएगा। और ये इसलिए मैं नहीं दोहराने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि आप चाह के भी गलतियां दोहरा नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों को मैं एक टर्म्स एंड कंडीशन का लिस्ट मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेजूंगा, वो आराम से पढ़िएगा। और वो जो मेरे रूल्स को जो तोड़ेगा उसके लिए पनिशमेंट और फाइन दोनों की यहाँ पे उपलब्ध है, समझ में आ रहा है? तो इसलिए आप लोग रूल्स को ब्रेक करके ये अगर करोगे तो सबसे पहले देखिए क्या करने जा रहे हो आप लोग, जो ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट आपने ये एडमिशन कराया, पेरेंट्स तो पैसा दिए है ना जी, अब आप में अगर इंप्रूवमेंट नहीं आएगा तो 4 महीना 6 महीना आप मेरे यहाँ आओगे तो अगल बगल पड़ोसी सब तो जानेगा ना कि कहां पढ़ने जा रहे होते हैं, इंग्लिश क्लास। उसमें भी क्या होता है, स्पीकिंग करने जा रहे हैं। अब भैया आपके बोलेंगे कि तने अंग्रेजी बोल के बताता, अब तो आप अगर नहीं बोलोगे तो सबसे पहले उन लोगों के नजर में टाइम पास करने जा रहा। दूसरी बात, आप अगर गार्जियन पैसा दिए तो वो भी आप में रिजल्ट देखेंगे, अगर उनको रिजल्ट नहीं दिखाते हो तो वहां पे फिर कहानी आएगा कि मेरा पैसा बर्बाद कर दिया। यानी कि पड़ोसी के नजर में गए, गार्जियन के नजर में गए, मेरे यहां कंटिन्यू ना आकर बहाने करोगे, एक्सक्यूजेस दोगे, वर्क नहीं करोगे तो मेरे नजर में भी गए। लास्ट में आप अपने खुद के नजर में जाओगे और आप पे टेंशन हावी होगा, इतना आ रहे हैं, इतना कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, पता नहीं कहां गलती हो रहा है, एकदम टेंशन में आ जाओगे, यानी खुद की नजर में भी जाओगे। उससे बेहतर है कि सिर्फ एक काम कंटिन्यू और प्रैक्टिस अगर करे तो आप सबके नजर में बेस्ट बन जाओगे, समझ में कुछ आ रहा है, और इंग्लिश आपका गुलाम हो जाएगा। कुछ समझ में आ रही है? तो इसलिए बेहतर होगा कि आप दुनिया को भूल जाओ, क्या संडे, क्या फेस्टिवल, क्या छोटा मोटा इशू, शादी उदी। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप लोगों में से किसी के यहाँ शादी होगा, राइट, जैसे अभी भी मेरे यहाँ कुछ कार्ड आया हुआ है, अगर उस इनविटेशन में हम ना जाएंगे तो क्या दुल्हा शादी ना करेगा? अगर सपोज मान लीजिए कि नेहा की शादी है, एक सर आइएगा मेरे यहाँ, हम ना जाएंगे तो जयमाला पर ना जाएगी? कहीं ना शॉर्ट में आए हैं, जब तक सर सामने ना रहेंगे तब तक हम ना ब्याह करेंगे, ऐसा पॉसिबल है? तो क्यों वहां पे जाने के लिए आप उतावले हो रहे हो, अपना काम को छोड़कर आप शादी में जाने के लिए एकदम ड्रेस पहन के एकदम रेडी हो गए हैं, मेकअप को 4 किलो 10 किलो लगा के जब एकदम पहुंचने वाले हैं और अपना पढ़ाई छोड़ रहे हो? कुछ समझ में आ रही है? जिस शादी में आपके जाने न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता उस शादी में जाकर क्या फायदा? इसलिए मेरा कहना है ना, एनिवर्सरी में, शादी में, बर्थडे, सब कुछ भूल दो 6 मंथ, ठीक है, फोकस करो एक चीज पर। अब मैं गारंटी करता हूं कि आपका 6 मंथ के बाद आपके रिजल्ट्स दुनिया देखेगी, मैं नहीं दुनिया देखेगी। जैसे अभी जो भी बैक साइड बैठे हुए हैं
उन सब का किसी को भी कुछ भी सिक्स मंथ कंप्लीटेड है आप पूछ सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, इंग्लिश में फ्रेंकली बात करेंगे। तो ये कहानी आया उनके डेडिकेशन से, उनको कंटिन्यू वर्क करने से। और कुछ आपको बता देता हूं कि एक दो मंथ जैसे गुजरेगा, जैसे आपका एक मंथ आपको थोड़ा अजीब लगेगा। अजीब क्या लगेगा, कहां आप आ गए, बहुत अजीब लग रहा है, समझ से परले है, नहीं हो पाएगा, छोड़ देते हैं, ऐसा भी मन में ख्याल आएगा। ये रियलिटी है, ये मैंने कई बच्चों के मुंह से सुना हूं कि शुरू में मुझे लगता था कि होगा ही नहीं, आपके भी मन में आएंगे। रीजन क्या है आपके मन में आने के पीछे, रीजन कि जो चीज आप करने जा रहे हो प्रैक्टिस, जो मैं देने जा रहा हूं आपको, ऐसा लाइफ में आपको आज तक नहीं मिला है। आज तक आपने क्लास में सुने होंगे कि आज फिजिक्स है, आज केमिस्ट्री है, आज मैथ है, आज हिंदी है, इंग्लिश है, लेकिन आज तक आपने ये नहीं सुना होगा कि आज क्लास में रूटीन में प्रेजेंटेशन है, एक्सटेम्पर है, डिबेट है, एफएम है, पीजी है, पीडी है, पीआई है, इंटरव्यू है, इंग्लिश क्लब है, ऐसा सुने हैं क्या, रोल प्ले है, ऐसा सुने हैं, एडी है, तो ये सब एफएम है, ये सब नहीं सुने होंगे, ये सब नया चीज सुनने को मिलेगा। तो एक हफ्ते आप माइंड को एकदम सेपरेट रखना, ठीक है। अभी तो तत्काल आपका इधर जो चलेगा क्लास अभी 10 से 15 दिन वो एकदम नॉर्मल चलेगा, रिटेन वर्क जबरदस्त होगा, जैसे लिखते आ रहे हो कहानी अभी चलेगी 10 से 15 दिन, देन आफ्टर आपका कहानी शुरू होगा आपकी क्लास की। क्योंकि अभी पहले बेस आपका क्या है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन हम जीरो से उठाएंगे आपका बेस इंग्लिश का, जैसे सेंटेंस कैसे बनाते हैं, वर्ड्स कैसे बने हैं, ठीक है, एकदम बेसिक चीज, जो कि अगर आपके पास नहीं होगा नॉलेज तो वहां पे आप लर्निंग लोगे, आप बनाना सीखोगे एक अलग तरीके से। और इस बार आपका रूटीन में भी बदलाव कर रहे हैं बहुत कुछ, बिल्कुल। तो इस बार एक नए जोश और जुनून के साथ मैं भी आया हूं और आप लोगों का भी मस्ट वेलकम है आप लोगों के लर्निंग में। सो आप लोग रेडी हो इंग्लिश सीखने के सफर में बहाने बनाने के लिए? तो क्या बनाओगे, बहाने बनाओगे ना, तो क्या बनाओगे, इरादे। यानी कि आज के बाद आप बनाओगे इरादे ना कि बहाने, ठीक है, क्योंकि बहाना बनाओगे तो अपना बर्बाद करोगे 2 मंथ। और हाथ में आएगा लड्डू, क्या सीखे, नथिंग, ठीक है।